शादी की पहले और बाद की लाइफ। शादी के पहले आप किचन में हैं, एक काम आप कर रहे हैं, चाहे आप चाय बना रहे हो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आराम से आप खड़े होकर मोबाइल चला सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, रोकने टोकने वाला नहीं है। आप चैटिंग करिए, फ्रेंड से बातें करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा कि ये क्या कर रही हो, काम नहीं करना है क्या, कोई आपको नहीं बोलेगा। और शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। अगर आप किचन में हैं तो आप चाय बना रहे हैं, आप सब्ज़ी काट रहे हैं, साथ में आप सब्ज़ी आपको छौंकना है, साथ में आटे गूंदने हैं, आपके बर्तन ठीक करने हैं। ये नहीं कि आप एक काम फिनिश कर ले, आपको सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे। इधर सब्ज़ी काटिए, उधर सब्ज़ी छौंकिए, उधर आटा गूंदिए, उधर बर्तन रखिए, और साथ में अगर छोटे बच्चे हैं तो भाई उनकी स्कूल की भी तैयारी करनी पड़ जाती है, उनको तैयार करना, उनके बैग्स रखना, उनके सब्जेक्ट के अनुसार बुक्स कॉपीज़ रखना, उनकी टिफ़िन रेडी करना, और पास में स्कूल है तो जाइए, आप छोड़कर भी आइए। मतलब ससुराल में काम ही काम है और मायके में आराम ही आराम है। तो क्यों ना बेटी अपने मायके को याद करे, क्यों ना अपनी माँ को, अपने बाप को बार बार थैंक्स बोले ऐसी लाइफ देने के लिए। मायके में बेटियाँ इतनी हैप्पी रहती हैं, खुश रहती हैं, और ससुराल में क्यों उब जाती हैं कुछ दिन में ही। वो हेल्प करने वाला कोई होता नहीं है, अकेले करना पड़ता है सब। और मायके में है तो कुछ आपकी कोई बहन कर ली, आपकी मम्मी कर ली, काम फिनिश हो जाता है, यही फ़र्क है।